रिपोर्ट ताज़ा तरीन जो है वो भी आपके साथ ज़रा शेयर करते हैं, उसकी फाइंडिंग्स शेयर करते हैं नाजरीन। मुल्की नामवर ब्रोकरेज हाउस का सरमायाकारों के नाम एक अहम नोट आया है और इसके चंद पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसमें ये बहुत अहम बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान के सरमायाकार हैं उनके नाम है ये पैगाम कि जी आप के उनके लिए पेशन गोई की जा रही है, उनके बाद इलेक्शन के बाद की जो पिक्चर है वो प्रेजेंट की जा रही है कि जी और इसमें जो सिचुएशन आई है सामने, ये जो सर्वे किया गया है, जो पोल कंडक्ट किया गया है कि अगली मखलूत हुकूमत तहरीक इंसाफ, आज़ाद उम्मीदवार और दीगर छोटी जमातें अगर मिलकर बनाती हैं तो इसका इम्कान 75% है, यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने का इम्कान जो है वो 75% है। कितनी सीटें निकाल सकते हैं तहरीक इंसाफ? इस रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है वो 272 के ऐवान में 85 से 95 के करीब जो है वो सीटें निकाल सकती है। ये पोल जो है वो ये कह रहा है। तहरीक इंसाफ और नून लीग में ताहम कांटे का मुकाबला होगा, यानी कौन कितनी ज़्यादा नशस्तें जीतेगा वो नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता। हुकूमत बनाना एक और बात है लेकिन होगा इन दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला। आप बात कर लेते हैं कि नून लीग के क्या चांसेस हैं, अगली हुकूमत मखलूत हुकूमत अगर नून लीग बनाती है तो इसको पीपल्स पार्टी की हमारे दरकार होगी, आज़ाद उम्मीदवार और साथ दीगर जमातें को मिलाकर 25% इम्कान है कि अगली मखलूत हुकूमत जो है वो नून लीग की हो। अच्छा, कॉरपोरेट और फंड मैनेजर पोल भी किया गया इस ब्रोकरेज हाउस की जानिब से और उनके मुताबिक जो हमारे कॉरपोरेट हैं और जो हमारे फंड मैनेजर्स हैं वो ये कहते हैं जी तहरीक इंसाफ के जीतने के इम्कान 77% है, यानी हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इस वक्त देख रही है कि 77% चांस है तहरीक इंसाफ के जीतने का। लेकिन जीते नशिस्तें कौन जीतेगा इस पर जी ये पोल कहता है कि तहरीक इंसाफ और नून लीग बराबर की नशिस्तें जीतेंगी, ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं होगा इंडिविजुअल हैसियत में, पार्टी हैसियत में। अच्छा जी, नामवर सियासी तज्जियाकारों को भी इस पोल में शामिल किया गया और उनकी राय के मुताबिक 75% जो हमारे सियासी तज्जियाकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाएगी, तहरीक इंसाफ ज़्यादा नशस्तें जीतेगी, 71% सियासी तज्जियाकारों की ये राय है। इसके अलावा गैलप का भी एक सर्वे आया था नाजरीन 2018 मार्च में, उसमें मुस्लिम लीग नून की पार्टी की जो पॉपुलैरिटी थी 2013 में वो 41% थी जो कि कम होकर 2018 में 36% हो गई और तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी ग्राफ जो 14% था 2013 में वो बढ़कर 24% पर चला गया। ये मार्च का मैं आपको सर्वे बता रही हूँ। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये आइंदा इंतखाबात में इलेक्टेबल्स के किरदार को भी इंतहाई अहम गर्दानती है और वो ये भी कहती है कि शहरों में जमातें अहम होती हैं लेकिन कस्बों में, देहातों में, गांव में शख्सियात अहम होती हैं, लिहाजा ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा जो इलेक्शंस की सूरत हाल को मैनिपुलेट करेगा। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट नाजरीन जिसमें गुज़िश्ता 4 माह में 248 सियासतदानों की वफादारियाँ टोटल तब्दील हुई हैं, गुज़िश्ता 4 माह में पाकिस्तान के अंदर 248 सियासतदानों की वफादारियां या पार्टियां जो हैं वो बदली हैं जिनमें से 92 का इंतखाब तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब थे। वजूहत बताई गई है कि तहरीक इंसाफ की नून लीग पर बढ़तरी की वजूहत क्या है। पहली जी इलेक्टेबल्स की तहरीक इंसाफ में शमूलियत, दूसरी नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ जारी करप्शन की तहकीकात, तीसरा मीडिया सेंसरशिप। नून लीग को हमदर्दी का वोट जो अगर ये फैसला आता है उस हवाले से ये कहते हैं जी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अगर नून लीग को हमदर्दी का वोट पड़ भी जाता है तो भी नून लीग 80 से 90 से ज़्यादा नशस्तें नहीं निकाल सकेगी, यानी अगर फैसला ख़िलाफ़ भी आ जाता है या कोई और सूरत हाल बनती है तब भी 80 to 90 यानी 75 to 85 अदरवाइज़, लेकिन अगर हमदर्दी का वोट पड़ता है तो मैक्सिमम 80 to 90 तक जाएगी नून लीग। मजहबी जमातों की कारकर्दगी पर उन्होंने कहा जी 2018 इंतखाबात पर कोई ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो सकेगी और पाकिस्तानी मईशत और स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी का मखलूत या अक्सरती हुकूमत बनने से कोई ताल्लुक नहीं है, तहम के ऐसी 100 इंडेक्स जो है वो अगर तहरीक इंसाफ आती है तो फिर 48,000 पे पहुंच जाएगा, अगर नून लीग आती है तो 50,000 पे चला जाएगा, लेकिन मजमूई तौर पर नून लीग की कामयाबी अगर होती है तो फिर बेहतर परफॉर्म करेगी पाकिस्तानी मईशत।